हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है आज के वीडियो में जो है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है, इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक में आपका पहला टॉपिक हो जा रहा है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड सेकंड टॉपिक जो हमारा वो हो जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है काफी सिंपल है, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा याद आ जाए और आगे के टॉपिक पढ़ने में थोड़ा सा सुविधा हो, आसानी से आप समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव में क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक यहाँ पे पहले से कोई चार्ज है, ठीक है, और इसके आसपास के एरिया में जो क्या बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा, तो अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आप यहाँ पे क्यूनट रखते हैं, कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, यहाँ पे परीक्षा क्यूनट रखते हैं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आपका प्लस है, ये प्लस है, तो एक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, काम करेगा, जिसको क्या करेगा, बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अगर आप इसको नजदीक लाना चाहें तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, इस चार्ज के वजह से जैसे बल लग रहा है, उस बल के विरुद्ध आपको कुछ कार्य करके इसको पास लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के टर्म में जो है अपना विद्युत विभव डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसमें क्या होगा, तो आपको इसका डेफिनेशन कैसे देना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कहते हैं कि आनंद से, ठीक है, मान लीजिए कि सब डिस्टेंस यहाँ पे कुछ है, इससे कुछ ज्यादा दूरी पे, यानी कि फीट पे है ना, अनंत दूरी से अगर आप चार्ज लेकर के आते हैं और यहाँ पे रखते हैं क्यूनट चार्ज, तो आपको कोई वर्क जो है डन करना पड़ता है, कोई काम यहाँ पे करना पड़ता है, डब्ल्यू जो कार्य करना पड़ता है। तो आपको क्यूनट चार्ज को इन्फिनिट से लेकर के पॉइंट मान लीजिए पी तक लेके आ रहे हैं, तो आपको डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तो इस पॉइंट पी पर का जो विभव होगा, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, विभव वी, तो वो डिनोट करते वी से, तो वो विभव वी कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बाई क्यूनट हो जाएगा। ठीक है, विभव पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, सॉरी वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो जो है आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, विभव को और मतलब कैसे अच्छे से डिफाइन करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर का विभवांतर, सॉरी उस बिंदु पर का विभव कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि अनंत से किसी चार्ज को, सॉरी एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो आप मान लीजिए कि एकांक आवेश नहीं लेकर के आ रहा है, क्यूनट चार्ज लेकर के आ रहे हैं पी पर, और लाने में वो कार्य करना पड़ जा रहा है डब्ल्यू जूल, तो आप क्यूनट चार्ज जब लेकर के आ रहे हैं तो उस पर काम करना कितना पड़ रहा है, आपको डब्ल्यू करना पड़ रहा है, अगर आप एकांक आवेश लेकर के आए तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू, और एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु पर का क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं विभव समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक भी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, वो है विभवांतर। ठीक है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि विभवांतर है, विभव का अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता होगा, इसमें जो है मान लीजिए कि आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि दो पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ए और सेकेंड जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है बी। ठीक है, ये दो पॉइंट है और पॉइंट ए पर का जो विभव है वो वी ए है और पॉइंट बी पर का जो विभव है वो वी बी है ना। तो अगर आपको पूछ रहा है कि विभवांतर क्या होगा, इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं विभवांतर डेल्टा वी बराबर वी ए माइनस बी बी। ये ना पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए पॉइंट बी का विभव जो है वी बी है और पॉइंट ए का विभव वी ए है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो विभवांतर है वो कितना होगा, विभवांतर इनके विभव का डिफरेंस क्या है, घटाव क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए, घटा दीजिए, आपका विभवांतर आपको मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा वी बराबर आपका हो जाएगा फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी। परिभाषा कैसे देंगे, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो परिभाषा ये बन के आएगा सामने कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने, अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिले बनाने के लिए, ठीक है, और अगर दो पॉइंट्स के आपके विभव जो है आपको दिए हुए हो, गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिंपल उसको घटा करके जो उसका डिफरेंस निकाल करके आप उन दोनों का विभवांतर पता कर सकते हैं। क्वाइट सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक और बेहतरीन सा परिभाषा लगता है, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं पता है आपको, पहले से नहीं पता है कि पॉइंट बी का विभवांतर विभव कितना है, पॉइंट ए का विभव कितना है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, कि आप जो है क्यू चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को, हम यहाँ पे परीक्षण आवेश लेंगे, क्यू नॉट लेंगे, तो आप क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेकर के आइए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सा बात है कि आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, मान लीजिए आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो है आप इसका एक रेशियो निकालेंगे डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो ये जो रेशियो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है, विभवांतर यानी कि डेल्टा वी, ठीक ना,
विभवांतर को हम लोग जो है दो विभव का डिफरेंस है ना, उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली आप करके बुक में दिखेगा ना, तो आपको सिर्फ ये भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे इसका, और डेफिनेशन कैसे, दूसरा डेफिनेशन जो है अच्छा सा कैसे बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो टेंथ में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो भी मतलब कुछ बुरा नहीं है। आप कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उससे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर करते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए कि ये रेशियो आया कैसे। मान लीजिए कि आप क्यूनट को ट्रांसफर किए ना यहाँ से डी से ए तक, तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एकांक आवेश को लेकर के ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक कूलम, एकांक का मतलब होता है एक यूनिट चार्ज अगर आप लेते हैं, यानी कि एक कूलम चार्ज अगर आप लेते हैं, तो कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। तो चूंकि आप क्यू पे काम मतलब क्यू चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है, तो एक कूलम के लिए जो आपका क्यू नट जो है ये आपके यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो रेशियो हो गया आपका, ये दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर वी ए भी लिख सकते हैं, ये दिखाने के लिए ये जो वर्क है कैसा वर्क है, तो उस चार्ज को बी से ए तक ट्रांसफर करने में किया जाने वाला कार्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभवांतर, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ और बात भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी मैं आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा, भौतिक राशि पढ़ाऊंगा, तो उसका परिभाषा हम लोग जानेंगे, ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं विभव को या विभवांतर को दोनों का वी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर विभवांतर को आप डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राशि जो है किस टाइप का है, सदिश है या अदिश है। तो पहली बात यहाँ पे कि ये जो राशि विभव है या विभवांतर है, दोनों ही अदिश है, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट करें कि ये जो दोनों राशियां हैं विभव और विभवांतर, दोनों की दोनों क्या है, अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इनका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में अपने लेक्चर 4 में आपको सिखाया था, है ना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकाल करके कि उसका मात्रक क्या होता है। तो वैसे ही मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं, आपको बस उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सपोज कीजिए मैंने आपको भी बताया यहाँ पे विभवांतर का या विभव का फॉर्मूला जो है वो आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू करके आ रहा है, ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज, जो ट्रांसफर आप लोग कर रहे हैं चार्ज को, वो चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे कि आपको डब्ल्यू का जो है मात्रक क्या पता है, ठीक है। आपने जो वर्क है वर्क पढ़ाया है 9th क्लास में फिजिक्स में, तो वहां पे इसका आपको बताया होगा मात्रक, इसका मात्रक सर जूल होता है, ठीक है, इसका ऐसे ही मात्रक आप लोग जूल लिखते हैं। अच्छा, चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा 10th में ही पढ़ा हम लोगों ने फिजिक्स में। तो ये तो आपका जो मात्रक बन गया वो क्या बना, आपका जूल पर कूलम्ब बना, ठीक है। लेकिन इस मात्रक को जो है हम लोग अलेसान्द्रे वोल्टा के सम्मान में नाम दिए हैं वोल्ट, ठीक है। तो विभवांतर या विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल पर कूलम्ब होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं लोग वोल्ट। इसका मतलब आपका क्या होगा, अगर कोई बंदा पूछता है आपसे कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो आप बोल सकते सिंपली 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। देखिए ये हमारे अभी काम आने वाला, अभी काम आएगा ये हमारे, कैसे काम आएगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी मैं आपको कोई राशि पढ़ाऊंगा तो उसका डेफिनेशन बताऊंगा, उसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका वो बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं उसके क्या कहते हैं मात्रक को ना मात्रक बताने उसको डिफाइन करूंगा, ठीक है। रहा बात यहाँ पे बीमा का, तो बीमा जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, उसका बीमा जो खुद निकालिए, ठीक है। तो जो मात्रक हमने यहाँ पे पता किया कि वो विभवांतर या विभव का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, तो वोल्ट को इस मात्रक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, कैसे हम लोग बताएंगे, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको, हम लोग दो टर्म में करेंगे। पहला टर्म क्या होगा, हम इसको विभव के पदों में भी बता सकते हैं, विभव के टर्म में भी हम लोग बता सकते हैं कि एक वोल्ट बराबर क्या होता है। विभव के हिसाब से है ना डब्ल्यू बाई क्यू होता है आपका, आप समझिए एकांक आवेश को, इसका परिभाषा देखिए विभव का क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर का विभव कहलाता है, और फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। आपको आवेश कितना लाना है भाई डेफिनेशन में, तो बोला है कि 1 कूलम्ब लाना है, चलिए भाई मान लेते 1 कूलम्ब लाना है। अब आपका यहाँ पे वर्क डन कितना हो, वर्क डन यहाँ पे कितना हो कि आपका जो ये मान है 1 वोल्ट है, ठीक है, जाहिर होता है कि 1 जूल होना चाहिए। अगर 1 जूल आया तो आपको क्या मिलेगा भाई, 1 जूल पर कूलम्ब यानी कि 1 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है आप विभव का मात्रक जो होता है वोल्ट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि यदि एकांक आवेश, एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, आपको 1 वोल्ट चाहिए और 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बाई कूलम्ब, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर अगर एक जूल और यहाँ पर अगर एक कूलम हो तो ये जो है आपका मान क्या देगा, एक वोल्ट देगा, देगा कि नहीं देगा। ठीक है, मैंने आपको भी बताया यहाँ पे कि जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वन जूल पर कूलम, यानी कि अगर एक जूल कार्य हो और एक कूलम आवेश हो तो वोल्ट में वो कितना आएगा, एक वोल्ट आएगा। ठीक है, तो फिर हम अपने डेफिनेशन में फिर अरेंज करेंगे कैसे, जो विभव का परिभाषा है कि अनंत से एक अंक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो उस बिंदु पर का विभव कहलाता है। तो हम यहाँ पे फिर वही चीज कहेंगे कि अगर एकांक आवेश को लाने में, एकांक आवेश को किसी बिंदु पर लाने में अगर हमको एक जूल का कार्य करना पड़े, ठीक है, अगर एक ही जूल का कार्य करना पड़ता है, यहाँ पे यही नया चीज आ रहा है कि काम कितना करना पड़े, ये सब हो जा रहा है कि अगर एक ही जूल का काम करना पड़े तो उस बिंदु पर का विभवांतर कितना होता है, एक वोल्ट हो जाता है। ठीक है जी, समझिए ये बात को यहाँ पे ध्यान से कि अगर एक कूलम आवेश को अगर लाने में एक ही जूल का कार्य अगर हमको करना पड़ता है तो उस बिंदु पर का विभवांतर कितना आता है, एक वोल्ट होता है। तो सर हम लोग वोल्ट को डिफाइन कर दिए विभव के पदों में। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर एक जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर का विभव कितना होता है, भाई एक वोल्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं कि विभवांतर के पदों में, विभवांतर के पदों में हम कैसे डिफाइन करेंगे एक वोल्ट को। ठीक है, तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा होती है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो फिर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है एक वोल्ट कब कहा जाएगा, तो समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पे आपको पता है विभवांतर डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए बी, यानी कि बी से ए तक लाने में किया गया काम अपटा में आवेश। ठीक है, अब आपको विभवांतर चाहिए एक वोल्ट, तो वो एक वोल्ट कब आएगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य हमारा एक जूल हो और जो आवेश लाया जा रहा है वो एक कूलम हो, तो आसानी से ये दोनों कैंसिल करके क्या आएगा आपका, एक वोल्ट आएगा। तो आप आराम से कह सकते हैं डेफिनेशन इसका कि अगर जो है एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमको एक जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना है यहाँ पे कि विभव विभवांतर क्या होता है, उसके मात्रक क्या होता है और उसका मात्रक का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में जो है हम लोग एकांक सॉरी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है ना, वो यहाँ पे चार्ज क्यू है, इस चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर एक बिंदु का पी है, तो इस पी पर जो है इस चार्ज क्यू के कारण कितना विभव होगा, उस विभव का हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, उस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।